राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम अजय चौहान, मैं आशा सुनेरा कल संस्था नागदा से आया हूं और मैं आज घुमायड़ा में आपको एक ऐसे उन्नत कृषक से मिलवाना चाहूंगा जो कि अपने यहां पर खेती प्याज की रोपाई के द्वारा रोपाई विधि से करते हैं। राम राम, क्या आप अपना परिचय देंगे? राम राम भैया, मेरा नाम ईश्वर सिंह है, मैं घुमायड़ा का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का एक किसान हूँ। ईश्वर सिंह जी, आज आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताने वाले हैं? ईश्वर सिंह जी, आप ये बताइए कि हम प्याज की रोपाई क्यों करते हैं? भैया, जो ये रोपाई वाले जो पौधे रहते हैं, ये डायरेक्ट बीज लगाते हैं उसकी तुलना में ये अधिक स्वस्थ रहते हैं, और जो ये प्याज के पौधे रहते हैं ये रोपाई करने से मरते नहीं हैं। भैया, आपको मैं आज ये बताना जा रहा हूँ कि प्याज की जो रोपाई करते हैं और डायरेक्ट जो बीज डाल के बोते हैं उसमें क्या अंतर है, ये आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। जबकि सीधे बीज द्वारा जो पौधे रहते हैं उनकी उनमें मरने की संभावना रहती है। जो अपन बीज बोते हैं डायरेक्ट, उसमें बीमारी और कीट, जो कीड़े वगैरह जो भी उसमें ज़्यादा लगते हैं, और अपन जो प्याज के पौधे जो रोपते हैं इसमें कीट भी, जो कीटनाशक ये कम लगता है और इसमें बीमारी भी कम आती है। ईश्वर सिंह जी, आप हमें ये बताइए कि इन दोनों विधियों में क्या अंतर है? भैया, सबसे पहला अंतर तो ये है कि जो अपन नर्सरी से जो पौधे उखाड़ते हैं और फफूंद नाशक से उपचार करते हैं, इससे कोई रोग नहीं लगता है इसमें। जबकि अपन सीधे बीज अगर बोते हैं तो उसमें हम ऐसा नहीं करते हैं, और पौधे को उपचारित करने के बाद अपन जो ऊपर का एक तिहाई हिस्सा रहता है, ऊपर के जो मुंह, उनको तोड़ के अपन रोपते हैं तो उससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। जबकि सीधे बीज जब अपन खेती में लगाते हैं उसमें ऐसा नहीं करते हैं। और भैया, इसमें तीसरा अंतर यह है कि अपन ये सभी क्रियाएं करने के बाद उन रोपों को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रोप देते हैं, जिससे पौधा बढ़ता भी अच्छा है और जो पोषक तत्व जो रहते हैं उन पौधों को मिल जाता है। जबकि सीधे बीज द्वारा खेती करने में हम ऐसा नहीं करते हैं। ईश्वर सिंह जी, आपने सीधे प्याज चोपने और रोपाई का दोनों का बता दिया, दोनों का अंतर बता दिया, लेकिन इन दोनों विधियों में क्या फ़ायदा है, अंतर क्या है, ये आप हमें बताएंगे? अपने को सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि प्याज की जो रोपाई करते हैं उसमें हमें रोपाई करने में 35 से 40% तक हमें फ़ायदा होता है। और इससे हमें स्वस्थ पौधे प्राप्त हो जाते हैं और बाज़ार में हमें इसका भाव भी अच्छा प्राप्त हो जाता है। ईश्वर सिंह जी, आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, क्या आप हमारे आसपास के किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो रोपाई द्वारा जो पौधे लगाते हैं इसमें हमें एक तो उपज अच्छी प्राप्त होती है और 30 से 40% तक हमें फ़ायदा होता है, और इससे हम लोग समृद्ध किसान एवं सुखी किसान बन सकेंगे। ईश्वर सिंह जी, आज आपने जो प्याज के बारे में, खेती के बारे में जो इतनी अमूल्य जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों को दी, मैं आशा संस्था की ओर से आपका जो बहुमूल्य समय लिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।